तो सबको वेलकम। तो आज जो सब्जेक्ट है ये थोड़ा एडवांस है, ये तो अभी मेरे चैनल में नहीं आना चाहिए, मैं मानता हूँ। लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मतलब बहुत पहले से ही WD ज्ञान के बारे में पढ़ रहा है, उनके बारे में जानता है। तो वो लोगों के लिए भी मैंने सोचा कुछ शेयर करूं। तो ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, और आज का जो ये सब्जेक्ट है ये पूरा मैथमेटिकल है, मतलब इसमें सिर्फ कैलकुलेशन ही होगा, और चार्ट भी शायद मैं नहीं दिखाऊंगा आपको, ठीक है? तो आज का जो सब्जेक्ट है ये है, सर थोड़ा अनम्यूट कर लीजिए मुझको, खुद को। हाँ हेलो हाँ वेणुगोपाल जी, सर। हाँ बोलिए, आप थोड़ा अनम्यूट कर लीजिए मुझ खुद को, ठीक ओके हाँ है? अनमिट करते हाँ, अगर कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं, नहीं तो दूसरे वक्त थोड़ा अनम्यूट रखिए मुझ खुद को, ठीक है? नहीं तो ओके नॉइस होता है, ठीक है? ओके तो इसमें क्या है, जो WD ज्ञान के एक लेटर था, मे कॉफी सेंटोस डी, ये बहुत फेमस है। जो लोग WD ज्ञान के बारे में पढ़ते हैं तो वो लोग जानते हैं ये लेटर बहुत फेमस है। ये उन्होंने वो WD ज्ञान का डेथ हुआ था 1955 को जून के, तो ये लेटर उनका डेथ के थोड़े दिन पहले ही लिखा गया था। तो लास्ट में वो कोशिश किया कि थोड़ा सीक्रेट रिवील करने के लिए, तो ये उन्होंने एक उनका एक स्टूडेंट को लिखा था। तो हम लोग आज कोशिश करेंगे ये लेटर को थोड़ा समझने के लिए। हाँ, और एक चीज है, मैं आज पूरा मतलब इसको डिकोड नहीं करूंगा, मतलब कर भी नहीं सकता हूँ। ये शायद तीन, हाँ तीन तीन पन्ना है, आप देख सकते हैं लास्ट में, तो ये तो बहुत छोटा है, इसको छोड़िए दो पढ़ना है। ये दो पढ़ना आपको अगर पढ़ना है, अगर समझना है, तो आपको 2 दिन से ज्यादा लग जाएगा, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है। सर यू शुड म्यूट एवरीवन, इट विल हेल्प एवरीवन टू गुड अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू सेड। ठीक है, अगर मैं सर देख सर, तो मैं अभी म्यूट कर दूं सबको, कर लो सर वेणुगोपाल, ठीक है? मैं म्यूट कर लूं, कर लो सर बाद में मैं खो बोलने के बाद खोल दूंगा। मैं खुद को ही म्यूट कर दिया था, देखते। हेलो, हाँ ठीक है। तो आस्ट अनम्यूट, हाँ ठीक है। तो चलिए, तो और यस श्योर, ठीक है। तो चलिए, तो मैं सीधा कंटेंट में आ जाता हूँ। तो देखिए ये लेटर में क्या लिखा है, वो डायरेक्ट बोल रहे हैं कि आपको जो प्राइस है वो कैसे चार्ट में यूज करना है, ठीक है? तो यूजिंग ए स्केल ऑफ 1.21 डिग्री, 8729 इक्वल टू 29 जेमिनी, ठीक है? तो इसमें जेमिनी का मतलब क्या है, आप एरिस टॉरस, इसका मतलब क्या है, ये तो आप लोगों को नहीं चाहिए लगेगा, आप सब जानते हैं। अगर नहीं भी जानते हैं तो मैं एक काम करता हूँ, मैं गूगल में खोल देता हूँ, यहाँ पर भी होगा शायद। एस्ट्रो, एस्ट्रोलॉजी में 12th हाउस होता है, ठीक है? तो उसमें फर्स्ट हाउस होता है एरीज, कहाँ पड़ गया, इसे नहीं दिखा। तो एस्ट्रोलॉजी में 12th हाउस होता है, तो उसमें फर्स्ट हाउस होता है एरिस, उसके बाद होता है टॉरस, उसके बाद जेमिनी, हम देखते हैं कहाँ पर है, किसी ना किसी में तो होगा ही आप लोगों के लिए। हाँ, हाउस ऑफ एरिस, उसके बाद है टॉरस, उसके बाद है जेमिनी, जेमिनाई बोलता है उसका, कैंसर, लियो, भर्गो। तो इसको क्या है,
आपका 360 डिग्री है, तो ये 360 डिग्री को अगर 30 डिग्री करके आप डिवाइड करेंगे तो 12 हाउस आता है। हर एक हाउस का एक एक नाम है, ठीक है, तो उसका एरिस है, टॉरस है, ये सब जानते हैं। तो अब यहाँ पर लेटर में आ जाते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा है, यूजिंग ए स्केल ऑफ 1.21 डिग्री 8729 इक्वल टू 29 जेमिनी। तो आज हम जो भी बोलेंगे या कैलकुलेट करेंगे वो कोशिश करेंगे वर्ड में लिखने के लिए, तो आसानी होगा, ठीक है। ये छोटा ही रखो। तो तो 1.21 डिग्री हम पकड़ रहे हैं, ठीक है। तो 8729 इक्वल टू बोल रहे हैं कि 29 जेमिनी। ओके, तो जेमिनी कौन सा हाउस है, आप यहाँ पर देखिए, तो क्लोज कर, हाँ, तो जेमिनी कौन सा हाउस है, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट गया एरिस, एरिस में 30 डिग्री है, टॉरस में 30 डिग्री है, टोटल करके 60 डिग्री आ गया। जेमिनी है 60 डिग्री से 90 डिग्री तक, ठीक है। तो 60 डिग्री के बाद कितना आता है, आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 29 जेमिनी, मतलब 60 प्लस 29 तो क्या होगा, 89 डिग्री। अगर 0 डिग्री से आप कैलकुलेट करेंगे तो 89 डिग्री आएगा, 29 जेमिनी इक्वल टू 89 डिग्री। ये बहुत बड़ा कोई कुछ चीज नहीं है, ये सबको ही पता है, वो सभी जानते हैं। तो ये इसके बाद आता है यहाँ पर, तो क्या लिखा है 8729। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम पकड़ रहे हैं 1.1 डिग्री, तो 8729 ब्रैकेट का ऑप्शन नहीं है, डिवाइडेड बाय 360 कितना आता है, 24.24, वो बाद में देखते हैं, 24 आ रहा है। तो यहाँ पर नीचे दिख रहे हैं सर, अब मैं सबको म्यूट कैसे करूं, आप कोई बोल सकते हैं, नहीं सबको म्यूट करूंगा तो मैं खुद भी म्यूट हो जाऊंगा। ओ नीचे आ रहा है ना, થોડા મ્યુટ કરી લીજે ખુદ કો सर, थोड़ा खुद को म्यूट कर लीजिए, मैं यहाँ पर नहीं देख पा रहा हूँ कौन म्यूट है या नहीं है, ठीक है। हाँ अभी गया सर, तो यहाँ पर आइए, 8729 माइनस यहाँ पर ब्रैकेट दे दीजिए, आप लोग सभी जानते हैं इसका मतलब, 24 into 360 इक्वल टू, मेरे पास कैलकुलेट किया हुआ है फिर भी आपको दिखाता हूँ, 24 into 360 का मतलब होता है 8640, ठीक है। यहाँ पर लिख रहा हूँ 8729 माइनस 8640 इक्वल टू कितना होगा, 8729 माइनस 8640 89, तो 89 आ रहा है। तो WD GAN 8729 ये जो प्राइस है, इसको 1.1 डिग्री पकड़ के कैसे 89 डिग्री में लाया था, मतलब 29 जेमिनी जेमिनी में इसको कन्वर्ट किया है, ये आपको पता चल गया।
सर अगर सबको म्यूट कर दूं तो मैं भी म्यूट हो जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं मोबाइल से बात करता हूं। सबको अगर म्यूट कर दूं तो मैं भी म्यूट हो जाऊंगा, ठीक है। तो चलिए, तो इतना तक आया। इसके नेक्स्ट लाइन क्या है? यूजिंग ए स्केल ऑफ 30 points to 1 degree, थोड़ा जूम कर लो, आप देख सकते हैं। Using a scale of 30 points to 1 degree equal to 21 Capricorn. ये भी आसान है। यहाँ पर आइए, यहाँ पर हम क्या पकड़ रहे हैं? 30 points equal to 1 degree, है ना? सर मैं एडमिन हूं, लेकिन ये तो डेस्कटॉप के लिए, और मैं बात करता हूं मोबाइल से, जिसके लिए मेरा साउंड आता है। डेस्कटॉप से मेरा साउंड नहीं आएगा, इसीलिए मैं खुद भी एडमिन नहीं हूं बात करने के लिए, लेकिन वीडियो के लिए मैं एडमिन हूं। थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। वीडियो चल रहा है मेरा डेस्कटॉप से, वो अलग सा आईडिया है, लेकिन मेरा जो मोबाइल है वो उसका आईडिया अलग है। तो मोबाइल में मैं एडमिन नहीं हूं। देखेंगे पार्टिसिपेंट में मेरा नाम भी है, सोमोदास करके, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर मैं हम पकड़ रहे हैं 30 points equal to 1 degree। तो हम एक काम कीजिए, हमारा पास कितना पॉइंट है? 8729। तो 30 points equal to 1 degree है, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 8729 डिवाइडेड बाई 30 इक्वल टू, आप कैलकुलेटर में देख लीजिए, ओके नो, आप कैलकुलेटर में देख लीजिए, 8729 डिवाइडेड बाय 30, 290.966, इसको आप लगभग 291 कह सकते हैं, ठीक है। तो 291 मतलब कौन से हाउस है? एरी से 30 डिग्री के ऊपर तक, 30, 60, 90, 120, 150, भार्गो है 180, इसके बाद है 210, 240, 270 तक आ गया, मतलब कैप्रिकॉन में है 270। सर आप जो ज्वाइन किए हैं, आप थोड़ा खुद को म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर दिया मैंने, नहीं हुआ, हाँ हो गया। तो ये सेजिटेरियस में है ना, 1, 2, 3, 4 हमारा पास कितना आया था देखिए, 291 नहीं, ये तो कैप्रिकॉन में आना चाहिए, क्या हुआ इसमें? हाँ, 30 या आ गया 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270 के ऊपर कैप्रिकॉन में है, और मेरा पास है 291, हमारा पास कितना है 291, 270 माइनस 270 इक्वल टू 21, ये कौन से हाउस में है? कैप्रिकॉन, ठीक है। ये हमको प्रिपेयर करने रखना, प्रिपेयर करके रखना चाहिए था, मेरे पास है भी, एक मिनट, ये मेरा पर्सनल है, वार्ड में आएगा क्या? नहीं तो एक काम कीजिए, हाँ ये ब्लैंक में रख देते, जब लगेगा हम यहाँ पर यहाँ से देखें, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 21 कैप्रिकॉन, और लेटर में क्या था? 21 कैप्रिकॉन, ठीक है। ये कैसे 30 पॉइंट, मतलब ये 30 पॉइंट का इंपॉर्टेंस क्यों है? 30 पॉइंट है आपका सैटर्न, सैटर्न के लिए। सैटर्न जब घूमता है सन के चारों ओर, तो उसको 30 साल लगता है, 30 years, ओके। तो उसी अर्थ को कितना साल लगता है? एक साल। तो इसीलिए
हम लोग लेते हैं 30 points इक्वल टू 1 degree सैटर्न के लिए. जब सैटर्न के लिए हम लोग सोचते हैं तो वो 30 points इक्वल टू 1 degree लेते हैं. इसके बाद आइए जुपिटर. जुपिटर को घूमने के लिए कितना टाइम लगता है? 12 साल. ठीक है, तो 12 साल मतलब हम क्या लेंगे? 12 points इक्वल टू 1 degree. तो यहाँ पर सैटर्न के 30 points ना लेके हम लोग लेंगे 12 points इक्वल टू 1 degree, है ना? तो हम क्या करेंगे, ये जो प्राइस है इसको 8729 इसको 12 से भाग कर देंगे. 8729 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू, आप लोगों को दिखाने के लिए मैं कर रहा हूं, नहीं तो मैं कर ही रखा हूं. 727.4166. ठीक है, अब 727 मतलब 360 डिग्री कितना बार है? पूरा एक राउंड किया है कितना बार? 2 बार. क्योंकि मैं आपको दिखाता हूं 727.4166 माइनस 360 मल्टीप्लाई बाई 2. 360 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आएगा. ओके, 720. तो अगर इसको माइनस कर दे तो कितना आएगा? 7.4166. तो ये पहला हाउस है. पहला हाउस कौन सा है? एडिस. मतलब ये एडिस, एडिस आ गया. तो यहां पर क्या है? 7.30 एडिस. देखिए ये है डिग्री में, ठीक है, और हम यहां पर कैलकुलेट कर रहे हैं डिग्री डेसिमल में. तो हम इसको इसके साथ डिग्री से कैसे कोरिलेट करें, इसके लिए एक रूल है कि आप एक काम कीजिए. कितना है 4166? तो ये है डिग्री डेसिमल में. 4166 नहीं, 4166 नहीं लेने का, आपको 41 ही लेना है. क्या वो बात कर उसके बाद जो है उसको बात दीजिए. डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 60 लगभग 24.6. मतलब इसका मतलब है 7 degree 0.24 minutes के लगभग ऐसा आएगा. ठीक है, तो मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो थोड़ा समझ लीजिए. अगर डिग्री डेसिमल से डिग्री तक में मतलब कन्वर्ट करना है तो उसको आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा और 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. और अगर डिग्री में है उसको डिग्री डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 60 से डिवाइड करना पड़ेगा. ये छोटा मैथमेटिक्स है, जियोग्राफी में था, और थोड़ा समझ लीजिए. ठीक है, इसके बाद क्या है देखिए. यूजिंग 1 cent टू 1 degree इक्वल 27 degree 16 Gemini. कैसे हो रहा है देखिए. हाँ, ये आपको समझना पड़ेगा. तब जो यूएस में जो शेयर मार्केट था वो कैसे चल रहा था. 8729 मतलब 87 cent.29 था. 8729 का मतलब 87 डॉलर या 8729 डॉलर ऐसा नहीं था. उस वक्त तो प्राइस का वैल्यू कम था ना, उस वक्त प्राइस का वैल्यू बहुत कम था. इसके लिए 8729 का मतलब 87 cent.29 था. तो वो अगर लेंगे 8729
29 डिवाइडेड बाय 100 8729 आता है. 87 मतलब ये सेंट में कन्वर्ट हो गया. 87 मतलब 60 तक आता है टॉरस तक. इसके बाद आता है जेमिनी. जेमिनी में है 27 तक. 20 मतलब मैं दिखा देता हूँ. -60 टॉरस तक चला गया. ये जेमिनी के अंदर है. जेमिनी के अंदर 27.29 है. 0.29 को अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 के लगभग आएगा. ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है. ओ 0.16 है लगभग. ठीक है, देखिए मैं जानता हूं ये सबको, ये आज का वीडियो सबको अच्छा नहीं लगेगा. ठीक है, कोई कोई आदमी आ रहा है जा रहा है तो ये कुछ नहीं कर सकते. ये थोड़ा मैथमेटिकल होगा. अगर ये समझना है समझेंगे तो ये डब्ल्यू डी ज्ञान के बारे में बहुत कुछ आप जान लेंगे. अगर नहीं समझेंगे तो वो आपका मर्जी. मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग आ रहा है जा रहा है तो ये कुछ नहीं कर सकते. ये थोड़ा आपको अच्छा नहीं लगेगा आज. ठीक है, तो चलिए इसके बाद आ रहा है. ये आप लेटर को डिकोड कर रहा है. ये डिकोडेशन सब आप यूट्यूब में ज्यादा नहीं पाएंगे इस तरह का वीडियो. मैं इसको मैं खुद को करना पड़ा. हाँ, आप एक बुक में भी पढ़ा था लेकिन पूरा नहीं. फेरेरा का एक बुक है, उसमें थोड़ा बहुत कन्वर्ट किया हुआ है लेकिन पूरा नहीं. तो चले इसके आगे बढ़े. बहुत कुछ है. द डॉलर वैल्यू इज 28,000. इसमें कॉमा है, देखिए 171.00 विच इक्वल टू 11° 45' कैप्रिकॉन. ये क्यों बोला थे. तो ऐसे कैसे आ रहा है इसको अगर आप डिकोड करने जाए तो पहले आपको समझ में नहीं आएगा. तो बहुत बाद में मुझको समझ में आया कि 28,171.00 इसको अगर पॉइंट में या 1 सेंट में आपको लाना है तो आपको इसको 100 से भाग करना पड़ेगा. 0.00 छोड़िए, 28,171 हमारे पास क्या है. 28,171. तो इसको अगर सेंट में या 1 पॉइंट में लाना है तो इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा. 28,171 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू कितना आता है. 281.71. आप यहाँ पर देखिए 281 मतलब कौन सा हाउस में पड़ रहा है. थ्री थर्टी से थ्री सिक्सटी और कैप्रिकॉन है 270 से लेके 300 तक. मतलब कैप्रिकॉन पे आ रहा है. 270 से 300 तक जो हाउस है वो कैप्रिकॉन का नाम पे है. तो यह हमारे पास कितना है 281. तो यहाँ से माइनस 270 कर दे. सॉरी, तो कितना आता है 11.71. ये है आपका कैप्रिकॉन में आना चाहिए. यहां पर देखिए क्या है बुक में 11.45 कैप्रिकॉन. ये आपको थोड़ा कन्वर्ट कर लीजिए 71 को. इस 0.45 के लगभग ही आएगा. आप लोग देख लीजिएगा, अभी तो उतना करने का टाइम नहीं है. तो आ रहा है ना, डिकोड हो रहा है. वो क्या बोले थे हम आपको बोलने का कोशिश कर रहे हैं. इसके बाद देखिए द एवरेज प्राइस ऑफ 5 ऑप्शन ऑन मार्च 19, 1954 वाज 8663 व्हिच इक्वल 28° एरीज. कैसे आ रहा है 8663. एक मिनट. हाँ, इसको आप एक काम कीजिए, लिखिए पहले 8663 इक्वल टू 8663 माइनस ब्रैकेट दे रहा हूं 360 मल्टीप्लाई बाई 24. मैं आपको बाद में कैलकुलेशन कर दिखा रहा हूँ कैलकुलेटर में. ठीक है, 8663 माइनस
8640 इक्वल टू 23 आता है, तो ये तो एडिस में ही है, ए आर आर आई एस, ठीक है। तो एक आप देख लीजिए ठीक है कि नहीं, 360 मल्टीप्लाई बाई 24 क्या आता है, 8640, मैंने भी लिखा है 8640, मतलब 23 डिग्री एडिस में आता है। यहाँ पर क्या लिखा है, इक्वल टू 28 डिग्री एडिस। तो यहाँ पर आपको लग रहा है कि इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली। आप अगर देखेंगे, आप सर्च करेंगे कि फाइव ऑप्शन ऑन मार्च 1954 उसका जो प्राइस था वो 8663 नहीं था, वो था 8668। ओके, अगर 8668 लेंगे, 23 से अगर 5 ऐड करेंगे तो 28 एडिस आएगा। उन्होंने यहाँ पर लिखा 28, तो वो जानबूझकर ये गलती किए, जिसके जिसके कारण उनका जो स्टूडेंट था वो लोग थोड़ा रिसर्च करे खुद से, वो ये चाह रहे थे। ठीक है, 10 मिनट है, उसके बाद मैं फिर से कंटिन्यू करूंगा दूसरा जो मीटिंग। ठीक है, वो चाहते थे कि उसका उनका स्टूडेंट इसमें थोड़ा रिसर्च करे। तो इसके बाद देखिए, वो उन्होंने बोला कि ये प्राइस हेलियोसेंट्रिक जुपिटर, इस ये आपको एम लगेगा शायद, लेकिन ये एम नहीं, एच है। हेलियोसेंट्रिक जुपिटर इज 20 डिग्री जेमिनाई, ठीक है, ये 60 डिग्री अपार्ट है बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये तो 60 डिग्री अपार्ट नहीं, थोड़ा ज्यादा ही, थोड़ा कम है, 52 डिग्री होगा शायद। तो जो भी है, इसके बाद पढ़िए क्या है, विच मीन्स दैट द प्राइस ऑफ 8729 वाज एट दिस प्राइस। अब एक मिनट, यस, हाँ, तो जो भी है, तो 8729 वाज एट दिस प्राइस। तो 8729 को आप डिकोड कीजिए, जो हमने पहले ही किए थे, 29 जेमिनी किए थे ना, एक पॉइंट को एक डिग्री लेकर, और स्थान कितने में था, 20 डिग्री पॉइंट 35 जेमिनी। मतलब यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कुछ नहीं, ये आपको वो स्थान का डिग्री गलत लिखा है, यहाँ पर 29 डिग्री होगा। ठीक है, अगर ये 29 डिग्री है होगा या 28 डिग्री होगा तो इससे मैच करेगा, यहाँ पर 28 डिग्री से मैच करेगा जो ये प्राइस आया था, तो ये प्राइस से 60 डिग्री अपार्ट होगा, ये प्राइस है एरिस में और जुपिटर है जेमिनाई में, मतलब कितना डिग्री का डिफरेंस हुआ, एरिस के साथ जेमिनाई का डिफरेंस कितना है, 60 डिग्री का, और जो ये हेलिसेंट्रिक जुपिटर ये 28 डिग्री अगर होगा तो हमारा वो पिछले वाला प्राइस से मैच करेगा ना, ये हम 29 जेमिनाई निकले थे। ठीक है, तो वो थोड़ा बहुत वो गलत लिखते थे, तो जाइए इसके बाद देखिए, हेलियोसेंट्रिक यूरेनस इज 21 डिग्री 52 मिनट कैंसर एंड दिस प्राइस द प्राइस एट 21 कैप्रिकॉन इज ऑपोजिट टू दिस। हम आपको दिख रहे, अगर वो सर्कल होता तो अच्छा होता, सॉरी हम तो लिख रहे हैं। तो उन्होंने क्या बोला था कि हेलियोसेंट्रिक यूरेनस इज एट 21 डिग्री 52 मिनट कैंसर एंड द प्राइस एट 21 कैप्रिकॉन इज ऑपोजिट टू दिस। 21 डिग्री 51 मिनट कैंसर और कैप्रिकॉन है 21 डिग्री में, अगर हमारे पास तो गैंजिला ही है, हम भूल गए। देखिए छोटा एक मिनट, इसमें जोड़िया का ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें प्राइस बोला है कैप्रिकॉन, देखिए कैप्रिकॉन कहां पर है, ये कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन में यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से शायद
यहाँ पर होगा, इसका ऑपोजिट में क्या है, देखिए कैंसर। तो उन्होंने यही बोला। देखिए हेलियोसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक कब यूज करना है ये आपको बाद में पता चलेगा, अभी नहीं, क्योंकि वो कभी हेलियोसेंट्रिक भी यूज करते थे, कभी जियोसेंट्रिक भी यूज करते थे। लेकिन अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी यूज करेंगे तो उसमें हेलियोसेंट्रिक का कोई भूमिका नहीं है, उसमें आपको जियोसेंट्रिक ही यूज करना पड़ेगा। लेकिन डब्ल्यू डी गैन कभी कभी हेलियोसेंट्रिक भी यूज करते थे, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं उन्होंने क्या लिखा। अभी हाँ द हाँ अप्रैल 16, 1954 is to 276 months from April 16, 1931 law 435। ओके, उन्होंने बोला कि अप्रैल 16, 1954 से 276 मंथ दूर है, ठीक है। तो और अप्रैल 16, 1931 का लो था, वो जो प्राइस था वो 435 था। यूजिंग 50 पॉइंट्स पर मंथ द 45 डिग्री एंगल क्रॉस 8715 ऑन मार्च 1954। यही पर आता है डब्ल्यू डी गैन का, जो गैन एंगल बोलता है ना उसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। यही पर आता है गैन एंगल जो होता था उसका कॉन्सेप्ट आता है। मैंने क्यों बोला था कि वो गैन एंगल का जो सॉफ्टवेयर होता है वो बेकार है, यही पर आपको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा। तो इसको हम डिकोड करना कोशिश करेंगे। अप्रैल 16, 1954 और दूसरा कौन सा दिन है, अप्रैल 16, 1931। वो बोल रहे हैं कि अगर इन दोनों दिनों के बीच अगर 50 पॉइंट्स पर मंथ आप लेंगे तो 45 डिग्री एंगल क्रॉस कर जाएगा 8715 को, ये प्राइस को, ऑन मार्च 19, 1954। तो मार्च 19 लो था इस डेट में, अप्रैल 16, 1931 को। तो हम देखते हैं यहाँ पर ऐसे लिखते हैं 16 अप्रैल 1931, और हमको देखना है कौन सा डेट, मार्च 19, 1954। तो आपको पहले पता करना होगा कि ये दोनों के बीच दिनों के बीच आपका कितनों दिनों का डिफरेंस है। अगर आपको आसानी से पता करना होगा तो आपको पहले पता करना होगा कि ये दोनों दिनों के बीच कितनों दिनों का डिफरेंस है। आप अगर गूगल में सर्च करेंगे कि डेट डिफरेंस कैलकुलेटर, तो आपको वहां पर पता चल जाएगा कि वहां पर अगर आप दोनों डेटों को देंगे तो वो दोनों डेटों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो आपको पता चल जाएगा। तो दोनों मैं पहले ही ये कैलकुलेट करके रखा हुआ हूँ, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई कर दे रहा हूँ ये दोनों डेटों के बीच डिफरेंस कितना है, ठीक है। 8373 days, ओके, ठीक है। तो इतने दिनों का डिफरेंस है, और प्राइस का डिफरेंस कितना है, 435। यहाँ से कितने दूर गया, यहाँ पर कितना लिखा है, 8715, ठीक है। तो ये दोनों प्राइस का डिफरेंस कितना है, 8715 माइनस 435 इक्वल टू 8280, 8280। तो डब्ल्यू डी गैन बोलने चाह रहा है कि
अगर 50 पॉइंट्स पर मंथ लेंगे 45 डिग्री एंगल, वो 8 to 80 डिग्री एडवांस होगा, ठीक है, इतने दिनों में, मतलब 8 to 80 दिनों में, सॉरी 8373 दिनों में, 8373 दिन था, तो पर डे कितना गया है 8 to 80, टोटल कितना पॉइंट एडवांस हुआ है 8 to 80, ठीक है, वो बोल रहे हैं 45 डिग्री एंगल 8 to 80 पॉइंट एडवांस होगा। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं इसमें छुपा हुआ बात कौन सा है, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि हम एक काम करते हैं, ये दिनों में है, मैं आपको बोला था दिन से आपको अगर डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो उसमें क्या करना पड़ेगा, 8373 है ये डेज, इसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, 8373 इसको मल्टीप्लाई बाय 360 एंड डिवाइडेड बाय 365.25, तो हम यह